नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। निरोग जीवन संस्थान के संचालक संत जगदीश मुनि द्वारा अब एलिफेंट लेग नाम की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है। उनके द्वारा एलिफेंट लेग नाम की बीमारी को ठीक किया जा रहा है। संत जी द्वारा देश भर में 15 दिवसीय शिविर लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। उनके द्वारा देश भर में 10 लाख से ज्यादा मरीजों को न्यूरो हीलिंग पत्ती से चिकित्सा देकर बिना दवाई के ठीक किया गया है। संत जगदीश मुनि द्वारा अब एलिफेंट लेग नाम की बीमारी को खत्म करने के लिए एक मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है। उनके द्वारा इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं संत जगदीश मुनि जी से। वे देखिए किस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। आरबीआई मीडिया, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सबको नमस्कार, प्रणाम। आज आपको एक नई बीमारी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से, ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा कि कई बार जो घुटने से नीचे की जो टांग है वो काफ़ी फूल जाती है और डॉक्टरी में उसको एलिफेंट लेग की बीमारी बोलते हैं। तो उस बीमारी का भी इलाज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए छोटा सा एक आपको क्लिप बना रहे हैं ताकि इस प्रकार की बीमारी के जो पेशेंट है वो इसका फायदा ले सकें। जैसे घुटने से नीचे का जो भाग होता है टांग का, खास करके पैर का पंजा और पिंडली और हमारे जो एंकल्स है टखने, पंजाबी में गिट्टे भी बोल देते हैं, इंग्लिश में एंकल्स बोल देते हैं, वो इतने फूल जाते हैं जैसे उसको हाथी की तरह पैर हो जाता है। तो इस बीमारी से भी आप निजात पा सकते हैं। ऐसा ही एक केस हमारे पास, ये जो अब हमारा 470वां शिविर चल रहा है इंदौर में, तो एक बच्ची इधर आई तो उसका इलाज दिया तो उसको बहुत रिलीफ है और वो जो स्वेलिंग थी वो काफ़ी कम हो गई और जो ये सर्कुलेशन रुका हुआ था वो भी ठीक हो गया। तो आप अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये पैरों का जो साइज देखो कितना बड़ा है, कितना मतलब फुल स्वेलिंग है। ये टखने जो है काफी स्वेलिंग है। ये जो है आप देख रहे हैं सेकंड पैर दूसरा, इसमें कितनी स्वेलिंग है। ऐसे ये जो एंकल्स है, एंकल्स आप देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो एंकल होता है उससे ये 10 गुना ज्यादा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब नी से नीचे का भाग होता है जो स्वेलिंग में आ जाता है, ये नॉर्मल टांग से काफ़ी ज़्यादा मतलब है। मतलब अभी ये जो आप देख रहे हैं ये इसका इलाज होने के बाद है, पहले ये इससे भी कई गुना ज़्यादा था। तो ये बच्ची है जिसका इलाज हो रहा है, मैं आपको इसका थोड़ा, बेटे क्या नाम है? शिखा शर्मा। ये प्रॉब्लम कब से थी? मतलब पिछले से सात साल से थी। तो ये कैसे हुई आपको थोड़ा मालूम होगा? ये मुझे जॉइंटिस हुआ था उसके बाद से। अच्छा, उस टाइम पे मुझे हाई डोज। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जॉइंटिस में जो मेडिसिन यूज होती है तो उस मेडिसिन के कारण काफ़ी जो है ना साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये साइड इफेक्ट के कारण जो हमारे शरीर में जो इसको सिंपली भाषा में कह लो जो गंदा खून है वो आकर के, क्योंकि खून ऊपर से नीचे पैरों की ओर आता है और पैरों से ऊपर की ओर दौड़ता है, तो उसी से क्या होता है जो गंदा खून होता है वो पैरों के पास आके रुकना शुरू हो जाता है, नसों में जमना शुरू हो जाता है। तो जमने के कारण ये फिर नसें फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नस की एक कैपेसिटी होती है उस हद तक वो फूलती है। तो उससे जो है ये टांगे जो है बहुत ज़्यादा फूल करके एक एलिफेंट लेग की तरह हो जाती है। तो अभी आपको कैसे लग रहा है? अभी बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? ठीक है। पहले से काफी रिलीफ। ये जो आपने, हमने जो चिकित्सा दी है न्यूरो हीलिंग थेरेपी, तो इससे आपको आराम लगा? हाँ, बहुत आराम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कराते रहने से और भी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, अगर मेरा पैर ठीक हो जाए तो बहुत ज्यादा, ये मेरे लिए तो चमत्कार। हाँ, मतलब इस टाइप की जो एलिफेंट लेग्स टाइप की जो बीमारी के पेशेंट है, तो इस बच्चे का संदेश है यही कहना चाहती है कि आप भी शिविर में आकर के इस प्रकार की चिकित्सा लेकर के ठीक हो सकते हैं।